नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमरान हिंदुस्तानी। कहते हैं दुनिया में कोई भी जंग हो अगर शिद्दत से लड़ी जाए तो जीत निश्चित है। ऐसा ही एक मामला बिजनौर जनपद में सामने आया है। ग्राम प्रधान द्वारा अवैध तरीके से अमीर लोगों के नाम काटे गए पट्टे को गांव के ही जागरूक व्यक्ति अशरफ सरफराज के विरोध के बाद कोर्ट ने 3 साल बाद फैसला सुनाते हुए पट्टे को निरस्त कर दिया है, जिसको लेकर विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले दोनों जाबाज व्यक्तियों को मोहल्ले के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित भी किया है। दरअसल ये वाकया साल सन 2017 का है, जब बिजनौर के गांव फतेहपुर नाबाद में ग्राम प्रधान मोहम्मद अहमद ने अमीर लोगों से सांठगांठ करके उनके नाम पट्टे काट दिए थे। अवैध तरीके से भेजे गए प्रस्तावों में कुछ लापरवाह अधिकारियों ने भी मामले में कार्रवाई आगे बढ़ा दी थी, जिसमें उनके नाम पट्टे हो गए थे। 2 वर्ष तक भी नाम हुए पट्टों में कोई निर्णय नहीं किया गया था, क्योंकि सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वाले सभी लोग अमीर थे। गांव में गरीब लोगों का हक अमीर लोगों को दिए जाने की बात जब चर्चा का विषय बनी तो गांव के ही जागरूक व्यक्ति अशरफ सरफराज ने अपर जिला अधिकारी न्यायिक कोर्ट में वाद दायर किया और ग्राम प्रधान द्वारा अलॉट किए गए पट्टों का विरोध किया, जिसमें आज कोर्ट ने गरीबों के हक में फैसला सुनाते हुए अलॉट किए गए पट्टों को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने गरीबों की लड़ाई शिद्दत से लड़ रहे सरफराज व अशरफ को फूल मालाओं से सम्मानित कर मिठाइयां बांटी। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आकिफ अंसारी, बिजनौर। हकीम सरफराज जिंदाबाद, मोहम्मद अशरफ जिंदाबाद, हकीम सरफराज जिंदाबाद, मोहम्मद अशरफ जिंदाबाद। मोहम्मद अहमद प्रधान थे जो उन्होंने फर्जी साइन करा करके हमसे और लोगों से और हमारे भी डुप्लीकेट साइन करके उसने पट्टे काट दिए थे। हमारा मकसद ये था कि जो लोग ये गरीब हैं इनको मिल जाए, मालदार आदमी को ना मिले। आज ऊपर वाले ने इन लोगों की जीत कराई है। हम लोग तो थोड़ा सा ये दिखा रहे थे कि इनके हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे इन लोगों का जो हमारे साथ आज हैं, कल को उनके साथ भी ईमानदारी हक की लड़ाई लड़े तो इंशाल्लाह जीत मिलेगी। हमारा मकसद ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए था। इन लोगों को जो गरीब हैं, जिन जो जमीन नहीं ले सकते, उन लोगों के हिसाब में उन्हें पट्टे मिले और हमारी कोई तमन्ना नहीं है। हमारे हाजी जी हैं और बहुत लोग हैं यहाँ जो हक की लड़ाई पर हमेशा खड़े रहते हैं, इंशाल्लाह जी। ये जो अशरफ भाई मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और आपके गले में मालाएँ डाली जा रही हैं और दूसरे व्यक्ति के भी माला डाली जा रही हैं, क्या है पूरा मामला? दरअसल ये मामला ये था, हमारे पूर्व प्रधान मोहम्मद अहमद ने 2017 में गांव के ही 10 अपात्र लोगों को पट्टे काट दिए थे जी, जिसमें इसने हमारे ही फर्जी साइन करके प्रस्ताव पास किया था जी। जब हमें इसकी जानकारी 2 साल बाद पता चली तो हमने इसका वाद दायर किया था ADM अपर जिलाधिकारी के यहाँ जी। उसके बाद आज हमें 3 साल बाद इसमें जीत मिली है जी। पट्टे कैंसिल कर दिए गए हैं और इस मुकदमे के चलते हमारे पर दबाव बनाने के लिए 107-116 की कार्रवाई भी की गई थी जी। आज हमें बहुत बड़ी जीत मिली है। इसी की खुशी लेते हुए जिनके हक में ये फैसला हुआ है, जो गरीब हमारे गांव में रहते हैं 10-50 साल से, उनके हक में ये फैसला हुआ है और ये पट्टे उनके नाम पे ही दर्ज होंगे। इस मामले में हमें ये लोगों ने खुशी के तौर पर माले डालकर सम्मानित किया है और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। आप प्रशासन को क्या कहेंगे अपनी तरफ से, भले ही 3 साल में इंसाफ मिला? प्रशासन को मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे फर्जी प्रस्ताव को देखते हुए एक जांच होनी चाहिए, जो कि जांच नहीं हुई। सरसरी तौर पर जांच करके इन लोगों को पट्टे काट दिए गए थे, जो कि अमीर लोग हैं और सबके पास गाड़ी वाहन है और काफ़ी मालदार अमीर व्यक्ति हैं। हम इस केस को 3 साल से लड़ रहे थे और मजबूती के साथ हमने ये केस लड़ा है और आज हमें इसमें काफ़ी बड़ी जीत मिली है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।